doesn't seem fair. डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस MCU की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म है। इस मूवी में ये कहानी दिखाई जाएगी कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के ऊपर अपनी रिसर्च जारी रखता है और वो एक स्पिल घुमाता है और उसके स्पिल में गड़बड़ हो जाती है और इस गड़बड़ की वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देता है और इसी मल्टीवर्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी पावर रखने वाला उसका हमशक्ल इसी यूनिवर्स में आ जाता है और उसके पास बहुत सी इविल पावर्स होती हैं जिसका इंसानियत के लिए खतरा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज का अल्टरनेट वर्जन है। और बस ये ही नहीं, मल्टीवर्स के और दरवाजों से डॉक्टर स्ट्रेंज के पुराने साथी वांडा मैक्सिमोफ और वोंग उन दोनों का भी अल्टरनेट वर्जन आ जाता है जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है और उनके पास भी उन दोनों जैसी पावर्स होती है जो इंसानियत के लिए खतरा है। अब ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और वोंग किस तरह अपने हमशक्ल से लड़ते हैं। और ये मूवी MCU के फेज 4 का हिस्सा होंगी। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करेंगे, एलिजाबेथ ओलसन वांडा मैक्सिमोफ का रोल प्ले करेंगी और बेनेडिक्ट वोंग का रोल प्ले करेंगे। That doesn't seem fair.